एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, हम भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ, बट कैसे अच्छी नहीं है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट नाउ शी इज़ बेटर। सो गाइस, हम आ चुके हैं फरीदाबाद। जिस दिन मैं गई थी यहाँ से अपने घर, उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही हम हॉस्पिटल गए पहले, क्योंकि मेरी बेटी जो है उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। लाइक उसे डिहाइड्रेशन हो गया था। डॉक्टर ये कहते कि आपकी डॉटर को डिहाइड्रेशन हो गया, उसे वॉमिटिंग, 40 फीवर, 102 डिग्री था। तो हमें हॉस्पिटल आना पड़ा, लोधी कॉलोनी, जहाँ पे वो हुई थी पालिका मटर्निटी में हुई है मेरी डॉटर। हम वहाँ पे आ गए, पहले हमने उसका ट्रीटमेंट करवाया, फिर डॉक्टर ने यही बोला कि 3 दिन तक ऑब्जर्व करो, अगर लगता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप दोबारा आ जाना और हमारे पास मकान आप सफदरगंज चले जाना, बिकॉज हम वहीं से रेफर करेंगे आपको। सो हम लोग आ गए थे फरीदाबाद, बिकॉज लोधी कॉलोनी से मुझे ज़्यादा इजी पड़ा फरीदाबाद आना, बिकॉज वो ज़्यादा पास पड़ता है हमें। गाज़ियाबाद बहुत ज़्यादा वो था और दोपहर का भी टाइम था। उस टाइम जब हम हॉस्पिटल से फ्री हुए तो हम आ गए यहाँ पे। उसके बाद देखते रहे ठीक रहा, बट रात को हमें सडनली उसको एमरजेंसी में लेके जाना पड़ा सफदरगंज, बिकॉज उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। सो हम वहाँ गए, फिर फिरशा को एडमिट किया हमने, बाबू को एडमिट कर लिया वहाँ पे, वो एडमिट हो गई। फिर एडमिट होने के बाद वही है कि पूरी रात रहे हम लोग वहीं पे। अगले दिन हम लोग 12 बजे करीब घर आए। सो अभी भी वो ठीक नहीं है पूरी तरीके से, उसे मोशंस हैं बहुत ज़्यादा, नॉर्मल है वो, बिकॉज सफदरगंज जब हम लोग गए थे तो उसको 104 डिग्री फीवर था और बहुत ज़्यादा, समझ लो बहुत ज़्यादा उसका बुरा कंडीशन था, होश में ही नहीं थी पूरी वो। तो डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि इसे 2 बोतल ग्लूकोडी चढ़ेगा, फिर हमने उसको पानी चढ़वाया, इसे होश आया मॉर्निंग में। हम लोग फिर भी उसको फीवर था ही, बट डॉक्टर कहते हैं अभी इन्फेक्शन बहुत फैला है तो आप उसको घर ले जाओ, बेटर रहेगा, मेडिसिन दो, बेटर फील करेगी और ठीक हो जाएगी, नॉट अ बिग डील, बिकॉज इसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल था, बस फीवर था डिहाइड्रेशन की वजह से था। सो आप लोग घर जाओ, बेटर रहेगा। सो हम लोग घर आ गए, फिर 11 बजे करीब घर आ गए। घर आके वही बच्चे के साथ, जब बच्चा बीमार होता है ना, हर वक्त बस मम्मी चाहिए उसे। तो गाज़ियाबाद में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ मैं रहूँ दिन भर, लाइक उसके बाबा ही हैं सिर्फ, तो इतना वो नहीं कर पाते हैं। मैं अकेली थी, उसको हर 15 मिनट पे पॉटी हो रहा था, वॉमिटिंग हो रहा था, फीवर था, तो वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। तो मुझे गाज़ियाबाद जाना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं नहीं गई, बिकॉज मैं अकेले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। डिस्चार्ज होने के बाद हम यहीं आ गए, यहीं पे हैं अभी, वो बेटर फील कर रही है, उसको मोशन थोड़े कम हुए हैं, मेडिसिन चल रही है उसकी कंटिन्यू, नाउ शी इज़ बेटर। अब तो हंसती भी है, पहले तो 2 दिन तक हमने उसकी हंसी ही नहीं। जैसे ही इसकी तबीयत ठीक होती है पूरी तरीके से, हम वापस अपने घर चले जाएंगे गाज़ियाबाद, मे बी 1-2 दिन में चले जाएंगे। सो फिलहाल तो अभी हम मेरी चाची के घर जा रहे हैं, और कृष्णा की मौसी भी है वहाँ पर, मिलने ही जा रहे हैं, बिकॉज हमारे कुछ गेस्ट आ रखे हैं उनके घर पे। सो मैं जा रही हूँ। क्या कर रही हो मम्मा के बालों में? आप क्या कर रही हो? मेरे बालों से खेलती है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं नेहा मौसी के पास, जो कि कृष्णा की मौसी है। कृष्णा कहाँ जा रहे हैं हम लोग? नेहा मौसी, हाय कर दो सबको। हाय, बोलो ठीक हो? ठीक हूँ। आप सब ठीक हो? मेरी बेटी पूछ रही है आप सब ठीक हो? सब ठीक है कृष्णा। एक फ्लाइंग किस कर दो सबको। हम लोग जा रहे हैं, मैं, शीशा और मेरी मम्मी। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं नेहा मौसी के घर, कि जो कि ऐसे लेटी हुई है और अब कैमरा ऑन होते ही उठ गई है। कोइंसिडेंसली आज दोनों ने ट्विनिंग कर रखा है। कृष्णा दिखाओ अपने ड्रेस, मम्मा को दिखाओ। देखो ये है ने बाबू और ये है उसकी मौसी, दोनों ने ट्विनिंग कर रखी है, दोनों ने ये टी शर्ट पहन रखी है बिल्कुल सेम। कृष्णा कहाँ पे आयो बेटू?
कहाँ आए हो आप? किस यस नेहा मौसी के पास आए हैं और हम लोग बस ऐसे ही बैठे हुए हैं. एज यू नो गर्ल्स टॉक. हम तीनों की अब टीम बन गई है. क्या हुआ? एक ऐसे बात करने बात क्या हुआ? क्या हुआ? मम्मा यही है बेटू. ये एक्चुअली इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो ये रोती रहती है. सो क्रिशा जो है परेशान है बिकॉज उसकी तबीयत ठीक नहीं है. वो रो रही है बहुत ज़्यादा. देखो कैसे रहती है. क्या हुआ बेटा? अच्छा गाइस से बात कर लो. हाय गाइस बोल दो. हाय गाइस मत करो. मुझे को धप्पा कर दो आगे. मुझे को धप्पा कर दो. ये बिहारी लैंग्वेज में बोल रही है कि हम कितने गंदी लग रहा थी. मीन्स मैं कितनी गंदी लग रही हूँ. अब हम लोग खा रहे हैं नूडल्स. और क्रिशा देख रही है कार्टून. आप भी खा लो. आप लोगों को खाना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करें, मैं आपके घर डिलीवरी करवा दूंगी. आ चुके हैं और क्रिशा जो है टीवी देख रही है. पीहू मूवी छोटे बच्चे की बहुत प्यारी मूवी है. आप लोग देख सकते हो ये बच्ची. इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है. अगर जिसको देखना हो देख सकते हो. छोटे बच्चे की मूवी है और क्यूटी को इसको बहुत मज़ा आ रहा है मूवी देखने में. शी इज एंजॉइंग. क्रिशा क्या कर रहे हो? क्रिशा बहुत बिजी है वो कार्टून में टीवी में. सॉरी अली दान छोले किशा का वीडियो में देखो. बता रही है कि वीडियो में उसके पापा है. बाबू क्या हो रहा है उसमें? आज गुड मॉर्निंग हो गया बाबू. मम्मा के पास आओ कम. अच्छा अच्छा